जी माय डियर स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टॉपिक ऑफ डिस्कशन टुडे इज द ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट लैंग्वेज। वी विल लुक अबाउट इट, द ओसीएल, द रोल ऑफ ओसीएल इन कंसर्न विद द कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस। द डेफिनेशन, द ओसीएल, द ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट लैंग्वेज हैज बीन डिजाइंड टू डिफाइन the constraints that are associated with UML models, especially your component based models. So this is designed to define constraints, especially the constraints. You will define different types of constraints that will associated with different UML models, different component based models. It is based around the notion of pre and post condition specification. It is based around the notion of इस पे बेस करती है जी, प्री एंड पोस्ट कंडीशन स्पेसिफिकेशन पे। कॉमन टू मेनी फॉर्मल मेथड्स, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द कोर्स ऑफ फॉर्मल मेथड्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सो इन एसोसिएशन, इन कॉरेस्पॉन्डेंस विद दैट पर्टिकुलर टर्म, वी आर ऑल्सो यूटिलाइजिंग द ओसीएल इन सीबीएसई। द ओसीएल डिस्क्रिप्शन ऑफ फोटो लाइब्रेरी इंटरफेस जो हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था, उसी के डिस्क्रिप्शन को मैं आगे लेके चलता हूं। द ओसीएल डिस्क्रिप्शन ऑफ फोटो लाइब्रेरी इंटरफेस, द कॉन्टेक्स्ट कीवर्ड नेम्स द कंपोनेंट टू विच द कंडीशंस अप्लाई। द कंटेंट्स, द कॉन्टेक्स्ट कीवर्ड आपको जो नजर आएंगे, ये नेम्स द कंपोनेंट, कंपोनेंट का नेम टू विच द कंडीशंस अप्लाई, जिसके लिए आपने कंडीशन को अप्लाई करना है। ये हमारे पास कॉन्टेक्स्ट है जी, कॉन्टेक्स्ट नेम इज द एड आइटम, कॉन्टेक्स्ट add item. The preconditions specify what must be true before execution of add item. What must be true before execution of add item. Precondition आप ये specify कर रहे हैं कि क्या आपने true करना है before execution of add item से. Let's see, मैं precondition में लगा रहा हूँ photo library dot lab size which must be greater than 0. पहले तो कंडीशन आपकी जो फोटो लाइब्रेरी आपने बनानी है, डेफिनेटली उसमें नल तो नहीं, कुछ ना कुछ तो आप लाइब्रेरी में रखेंगे। तो मींस के फोटो डॉट लाइब्रेरी डॉट लाइब्रेरी साइज वो किससे होगा, ऑलवेज विल बी ग्रेटर देन 0। एंड फोटो लाइब्रेरी डॉट रिट्रीव, जो आपका इंटरफेस आईडी, फोटो इंटरफेस आईडी, वो भी नल होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन होंगी आपकी प्री कंडीशंस दैट यू विल स्पेसिफाई बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ एड आइटम। पोस्ट कंडीशंस में क्या आएंगे, द पोस्ट कंडीशन स्पेसिफाई वट इज ट्रू आफ्टर एग्जीक्यूशन, आफ्टर एग्जीक्यूशन क्या ट्रू होगा। इसमें देख लेते हैं पोस्ट कंडीशन में क्या, लाइब्रेरी साइज जो होगा आपका, वो लाइब्रेरी साइज आपका प्री कंडीशन प्लस वन, देखे ना जो भी कंडीशन वो जीरो से बड़ी है उसमें आगे एड कंडीशन हम करते जाएंगे, एट प्री प्लस वन। एंड उसके बाद रिट्रीवल आ जाएगा, फोटो लाइब्रेरी डॉट रिट्रीव का मेथड लगाया आपने, इंटरफेस आई डी दिया उसमें पास करवाया, वो किसके बराबर है, पी के बराबर है। एंड एज वेल एज आपको फोटो डिस्क्रिप्शन भी चाहिए कैटलॉग एंट्री के लिए, तो उसके लिए भी हमें मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा। फोटो लाइब्रेरी डॉट कैटलॉग एंट्री, इंटरफेस आ गया आपका, आईडी आ गया, ठीक है। ये किसके बराबर जी, फोटो डिस्क्रिप्शन के बराबर है जो हमने लास्ट टाइम देखा था। सो दिस वन यू कैन लुक एट दिस, मैं आपको दोबारा लेके जा रहा हूँ। देखिए आइडेंटिफायर पीआईडी, आपका जो फोटोग्राफ आइडेंटिफायर है इसकी मैं बात कर रहा हूँ, कैटलॉग एंट्री भी आपको नजर आ रही है इसमें। सो इसी को लेके आगे बढ़ाऊँ मैं ओसीएल में, तो पोस्ट कंडीशन में मेरे पास क्या है, आया गया रिपीट लाइब्रेरी साइज विच विल बी ऑलवेज इक्वल टू लाइब्रेरी साइज, इसमें क्या स्टोर करवाएंगे, लाइब्रेरी साइज प्री कंडीशन उसकी है प्लस वन, फोटो लाइब्रेरी रिट्रीव करेगा आपका वो दैट विल बी इक्वल टू पी, एंड फोटोग्राफ जब नाम में पता है कैटलॉग एंट्री हमने करवानी तो हमें फोटो डिस्क्रिप्शन भी चाहिए। ये आपकी पोस्ट कंडीशन होंगी इसकी एग्जीक्यूशन के बाद, प्री कंडीशन में हमें ये चाहिए क्योंकि हमारे पास कॉन्टेक्स्ट क्या है, नेम्स द कंपोनेंट टू विच द कंडीशन अप्लाई, ऐड आइटम, ये कॉन्टेक्स्ट क्या है जी हमारे पास, ऐड आइटम। नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट है जी हमारे पास डिलीट, डिलीट की प्री कंडीशन हमें क्या चाहिए, इसकी कंडीशन ये है एग्जीक्यूशन के लिए, फोटो लाइब्रेरी डॉट रिट्रीव फोटोग्राफ, जो आपके जो जो है इंटरफेस आईडी है वो दैट विल बी नल, ये उसमें इसको चेक, इसको हमें चेक करना है यहाँ पे। फिर पोस्ट कंडीशन में हमें क्या देखना है, आपने वहां पे भी देखना है इसका नल इक्वल टू नल है, ठीक है, यहाँ पे हमने इक्वलिटी चेक करनी है। और उसके बाद हमने कैटलॉग एंट्री जो आपने पीआईडी दिया था, ठीक है, इसमें क्या स्टोर करवाना है आपने, कैटलॉग और एंट्री
आपने विद द हेल्प ऑफ दैट प्री कंडीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर डिलीट, जो कि नल को चेक करेगा जब ये नल को साइन करेगा. नेक्स्ट वन इज फोटो लाइब्रेरी डॉट लाइब्रेरी साइज, इसमें क्या स्टोर होगा, यही चीज आपकी, देन जाके दोबारा एग्जीक्यूट होगी, लेकिन माइनस वन के साथ. क्यों? क्योंकि आपने उसके उससे एक प्रीवियस जाना है, क्योंकि यहाँ से उठा चुके हैं, देन आप मूव करना है बैकवर्ड. लाइब्रेरी साइज प्री माइनस वन, पीछे कंडीशन बैक आपने जाना है. जी, फोटो लाइब्रेरी कंडीशंस, कंडीशंस को देखते हैं जी, क्या कंडीशंस बोलती हैं हमें. एज स्पेसिफाइड द ओसीएल ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट लैंग्वेज एसोसिएटेड विद द फोटो लाइब्रेरी कंपोनेंट स्टेट्स दैट, वो ये कहती है, देयर मस्ट नॉट बी अ फोटोग्राफ इन द लाइब्रेरी विद द सेम आइडेंटिफायर एज द फोटोग्राफ टू बी एंटर्ड. यस, इस बात का हमें ख्याल रखना है, कोई भी ऐसे फोटोग्राफ लाइब्रेरी में ना हो विद सेम नेम सेम आइडेंटिफायर के साथ, उसकी आइडेंटिफायर सेम उसका नाम हो, एज द फोटोग्राफ टू बी एंटर, जिसको आपने एंटर करना है, और आइडेंटिफायर के साथ मैच कर गया तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसलिए ये हमें लगाना है कि ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए. सेकेंड, द लाइब्रेरी मस्ट एग्जिस्ट. यस, लाइब्रेरी की एग्जिस्टेंस बहुत जरूरी है. अज्यूम, फर्ज करें दैट क्रिएटिंग अ लाइब्रेरी एड्स अ सिंगल आइटम टू इट. डेफिनेटली अगर आप लाइब्रेरी क्रिएट करें तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ रखने के लिए क्रिएट कर रहे हैं, तो सिंगल आइटम भी वहां पे होगा, देयर मस्ट एग्जिस्ट. नेक्स्ट इज ईच न्यू एंट्री इंक्रीजेस द साइज ऑफ लाइब्रेरी बाय वन. यस, हर नई एंट्री डेफिनेटली जो लाइब्रेरी का साइज है दैट विल बी इंक्रीज बाय वन. नेक्स्ट, इफ यू रिट्रीव यूजिंग द सेम आइडेंटिफायर, अगर आप रिट्रीव करते हैं सेम आइडेंटिफायर के साथ उसको रिट्रीव करते हैं, देन यू गेट बैक द फोटो दैट यू एडिट, दोबारा वहां पे वापस चले जाते हैं आपने अपनी फोटो ऐड की थी. नेक्स्ट, इफ यू लुक कैटलॉग, अगर आप कैटलॉग की तरफ देखते हैं लुक अप यूजिंग दैट आइडेंटिफायर, उस आइडेंटिफायर को इस्तेमाल करते हुए, देन यू गेट बैक द कैटलॉग एंट्री दैट यू मेड. इसी तरह आप फोटो दैट यू एडिट वापस आए थे बैक, इसी तरह इसमें भी, देन यू गेट बैक द कैटलॉग एंट्री दैट यू मेड, आप उस कैटलॉग एंट्री पे वापस आ जाएंगे दो जो कि आपने की थी. ठीक है, तो कैटलॉग जब आप देखेंगे तो ये कंडीशंस हैं वो सेल के लिए कंस्ट्रेंट स्पेसिफाई करने के लिए. कंपोजिशन ट्रेड ऑफ्स, थोड़ी सी चीजें मैं आपको बता दूं व्हेन कंपोजिंग कंपोनेंट्स, ताकि आपके रिवीजन दोबारा जो खास स्केच आपके सामने दोबारा क्लियर हो जाएगा. यू मे फाइंड कॉन्फ्लिक्ट्स, आपको कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं बिटवीन फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स. As you people know that component based on software engineering में components की कुछ functional requirements होती हैं और कुछ non-functional requirements भी होती हैं. अगर इनके दरमियान conflict आ जाए, and conflicts between the need for rapid delivery and system evolution, system की evolution आपको allow नहीं कर रही है कि आप rapid delivery दें system की, तो यहाँ पे भी अगर confliction आ जाए तो ये भी trade off में हम डालेंगे. So here आप लोग को क्या जरूरत पड़ती है, you need to make decisions. You need, आपको जरूरत है to make decision लेने हैं, such as, फिर decision क्या लेंगे, such as, what composition of components is effective for delivering the functional requirement? अगर functional requirement के लिए आप deliver कर रहे हैं तो कौन सी composition components हैं जो effective हैं हमारे system के लिए. Number two, उसको देखेंगे, what composition of components allows for future change? कौन से composition जो components की आपको future change allow करने देगी. नंबर थ्री, व्हाट विल बी द इमर्जेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोज्ड सिस्टम, जो कंपोज सिस्टम की इमर्जेंट प्रॉपर्टीज हैं वो कौन कौन सी होंगी कंपोज सिस्टम की, जिसको आप इफेक्टिव डिलीवरी के लिए आप फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट आप डिलीवर करने जा रहे हैं. डाटा कलेक्शन एंड रिपोर्ट जनरेशन कंपोनेंट्स, जी इसको भी आप डायग्राम आप देखिएगा. डाटा कलेक्शन और रिपोर्ट जनरेशन कंपोनेंट्स आप देखेंगे, रिपोर्ट जनरेटर है, उसने रिपोर्ट को डील करना है. डाटा मैनेजमेंट है, डाटा मैनेजमेंट डाटा कलेक्शन भी करता है रिपोर्ट जनरेशन के साथ, इसका यानी कि इंटरमीडिएटरी है, जिससे हमारे पास एक अडॉप्टर कंपोनेंट था. ये डाटा मैनेजमेंट अडॉप्टर कंपोनेंट का रोल अदा कर रहा है यहाँ पे. डाटा कलेक्शन एंड डाटा बेस, इसमें अडॉप्टर कंपोनेंट नहीं है, ये दोनों आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं अगेंस्ट रिपोर्ट. ठीक है जी, सो की पॉइंट्स मैं समराइज कर रहा हूँ. CBSE is a reuse-based approach to defining and implementing loosely coupled components into systems.
तो हमने सब चीजों का क्या निचोड़ निकाला इस चैप्टर इसमें हमने देखा कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जितने हमने टॉपिक स्टडी किए मेरे निचोड़ समराइज उसको मैं समराइज कर रहा हूँ. CBSE इज अ रीयूज बेस्ड अप्रोच है टू डिफाइनिंग एंड इंप्लीमेंटिंग लूजली कपल्ड कंपोनेंट्स इनटू सिस्टम्स. लूजली कपल्ड कंपोनेंट्स को सिस्टम में लाने के लिए और अ कंपोनेंट इज अ सॉफ्टवेयर यूनिट हूज फंक्शनैलिटी एंड डिपेंडेंसीज आर कंप्लीटली डिफाइंड by its interfaces. A component is a software unit. Component क्या है? Software unit है. इसकी functionality and dependencies are completely defined by its interfaces. जिसकी dependencies आप interfaces के जरिए define करते हैं. A component model defines a set of standards that component provides and composers should follow. और एक ये भी हमारे पास एक key point मिला. Component models हमें set of standards बताते हैं, define करता है that component providers and composers should follow. जिसको आपके composers और component providers ने follow करना है. ठीक है जी. और चौथा key point क्या है मेरे पास? The key CBSE processes are CBSE for reuse and CBSE with reuser. ये दो चीजें जिसको हमने देखा था ये बार बार हम इम्प्लीमेंट करते हैं. Next, during the CBSE process, the processes of requirements engineering and system design are interlinked. Leaved. यानी कि इनका आपस में ताल्लुक है, एसोसिएशन है, they are interlinked. Next, component composition is the process of wiring components together to create a system. Component composition का मतलब ही क्या है? Wiring करनी है हमने components को together to create a system. Next one, when composing reusable components, you normally have to write adapters. To reconcile different component interfaces, जब component adapter के अंदर आपने study किया था, जब आप composing करते हैं reusable components की, आप normally आपको adapter write करने पड़ते हैं different components के interfaces को reconcile करने के लिए, जिनको हमने पीछे देखा था. Last one but not least is when choosing compositions, you have to consider required functionality. Non-functional requirements and system evolution. ये आखिरी बात जो पीछे मैंने इस टॉपिक में देख रहा था. जब आप चूज करने हैं कंपोजिशंस की, you have to consider required functionality. ये आपको कंसीडर करना लाजमी है. Required functionality, उसकी non-functional requirements और system की evolution. ये तीन चीजें बहुत जरूरी हैं. तो my dear students, this is all about the today's lecture. ये आपकी एक बुक जो है कंप्लीट हो गई है. ये बुक मैं आपको भेज देता हूँ, व्हाट्सएप पे कर देता हूँ. और बाकी ये प्रीवियस लेक्चर और ये वाला लेक्चर भी मैं आपका चैनल पे अपलोड कर दूंगा. सो आप उसको वहां से देख सकते हैं. थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स. टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. अल्लाह हाफिज़.